ये जो रोड है ये स्ट्रेट जाती है अगवाड़ा जेल के लिए, एंड ये जाता है अगवाड़ा फोर्ट एरिया के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं अगवाड़ा फोर्ट। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मानसून में ये फोर्ट कैसा दिखता है। एक्चुअली इन केस अगर आप अगवाड़ा फोर्ट जाना चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज द नाइस वेदर फॉर अगवाड़ा फोर्ट, क्योंकि अगर आप सीजन टाइम पे आते हैं तो बहुत ज्यादा धूप रहती है, और दोपहर के टाइम पे क्योंकि पूरा ओपन एरिया है और गर्मी और धूप बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी जैसे कि आप वेदर देख रहे हैं, इट्स ऑल थोड़ा बारिश हो रही है और ठंडा वेदर है, तो घूमना बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड कैन सी द रोड इज सो सीनिक, तो यहाँ पे भी आप अपनी कुछ नाइस पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इट्स ऑल ग्रीन हियर। एंट्रेंस, एंट्रेंस पे ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अभी हमने ये 100 रुपए की पर्ची कटाई है अपने फोर व्हीलर के लिए। अगर आप टू व्हीलर लेकर के आ रहे हैं, स्कूटी के लिए 50 रुपीज ये चार्ज करते हैं पार्किंग। सो दिस इज हाउ। और यहीं पे अगवाड़ा फोर्ट के बाहर में आपको कुछ ईटिंग एंड शॉपिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट देर आर सम ऑप्शन अवेलेबल हियर। सो यू कैन सी वेदर इज वेरी नाइस, परफेक्ट वेदर यहाँ पे घूमने के लिए। कैन सी दिस इज अगवाड़ा फोर्ट। एक्चुअली अंदर ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट इट इज अ वेरी पॉपुलर स्पॉट हियर इन गोवा। सो लेट मी टेक यू इन साइड। तो यहाँ से कुछ कुछ जगह है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है एक्चुअली। और यहीं पे आगे लाइट हाउस है, सो दैट इज अगेन अ नाइस थिंग। आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पर अंदर जाएंगे आप इसके, तो यहाँ पे लाइट हाउस है, और आप ऊपर जब जाएंगे तो वहां से आपको ब्यूटीफुल सनसेट दिखाई देता है। सो हमारे पीछे ये है पार्किंग स्पेस जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, एंड यहीं से हम जाएंगे आगे टुवर्ड्स अगवाड़ा फोर्ट। ये है अगवाड़ा फोर्ट का एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ में ही ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ से आपको टिकट्स लेनी होगी। सो मैं आपको रेट्स दिखा देती हूँ। यू कैन सी हियर फॉर इंडियंस इट इज 25 रुपीज पर हेड। सो ये एंट्रेंस है, एंड मैंने ये टिकट ले ली है, सो 25 रुपीज ईच, एंड देन दिस इज द एंट्रेंस। कितने बजे तक ओपन रहता है? 5 o'clock। ओके, और मॉर्निंग में कब ओपन होता है? ओके, सो ये फोर्ट एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मॉर्निंग 9 o'clock ये फोर्ट ओपन होता है, एंड टिल 5 o'clock तक यहाँ पे एंट्री अवेलेबल रहती है। सो इन केस इफ यू आर कमिंग, यू कम ड्यूरिंग दिस टाइम। इट इज अ नाइस प्लेस, बट आज एक्चुअली हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सो इट्स अ ह्यूज ओपन एरिया। यहाँ पे आपका फोटोशूट बहुत ही अच्छा आएगा, एंड यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आप अपने लिए क्लिक कर सकते हैं। वेरी नाइस स्पॉट, और ये वेदर तो परफेक्ट है टू कम हियर। सो अगर आप सीजन टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, एंड आप देख सकते हैं इट्स ऑल फुल ओपन एरिया, तो धूप बहुत ज़्यादा रहती है। बट इस टाइम पे ड्यूरिंग मॉनसून टाइम यहाँ पे अभी वेदर बहुत अच्छा है, सो इट्स वेरी ईजी, और आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। सो ठंडा वेदर है। बाय। सो यू कैन सी, सो देयर्स दिस वॉशरूम एरिया हियर, एंड देन अभी हम ऊपर जाएंगे, वील क्लिक सम नाइस पिक्चर्स हियर। सो इन केस अगर आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, सो दिस इज द प्लेन रोड, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पर आ रही हूँ, सो यू कैन सी।
जहाँ पे मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी. दिस इज एन अनदर शिवा टेम्पल. दिस इज हाउ द एंट्रेंस इज एंड दिस इज द फोर्ट एरिया. ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक बोर्ड है. और अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है. अभी थोड़ी देर के लिए बारिश होगी एंड देन इट विल स्टॉप. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग पिक्चर्स हियर. वॉकवे आप इस फोर्ट के चारों तरफ चल सकते हैं और यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा आता है. तो अभी तो इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है, अदरवाइज सीजन टाइम पे यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा दिखता है इवनिंग टाइम पे. और यहाँ पे जो सी है, सी व्यू है यहाँ पे ऊपर से. तो अभी हम ऊपर भी जाएंगे और ऊपर से भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये क्या चीज है. तो आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ इस फोर्ट का. तो इसको बैकग्राउंड में रख करके आप फोटो जरूर क्लिक करना, इट कम्स वेरी नाइस. और एंड इट्स अ वेरी ओल्ड फोर्ट. तो आप इसका मेंटेन सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहता है. So it is pretty okay to pay 25 rupees to come. Entry charges है 25 rupees. और अगर आप cash pay करें तो वो आपको charge करेंगे 25 rupees. And अगर आप scan करके online payment करते हैं तो that will charge you 20 rupees. So you can see behind me, this is a very nice background. तो इसको background में लेकर के आप अपनी photos ज़रूर click करना. तो अब हम चलेंगे यहाँ पे ऊपर and then I'll show you the view from here. So let's go now. Yay! Just enjoying this weather. Weather is very nice and a perfect timing, perfect weather to visit Agvada Fort. So अभी weather बहुत ही अच्छा है. और पिछले एक हफ्ते से गोवा में बारिश, बहुत अच्छी बारिश हो रही है. तो ज़्यादा बारिश हो रही है और थोड़ी देर के लिए इन बिटवीन रुकती है बारिश. So but right now I'm not carrying any umbrella. But the weather is very nice. हल्की हल्की बारिश हो रही है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रही है और फिर रुक जा रही है. So the weather is very nice right now. Amazing! है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. तो वहां से स्पेशली पीपल गो टू सी सनसेट एंड दिस इज द सी व्यू. लुक एट द स्पॉट, इट्स सच एन अमेजिंग स्पॉट. एंड अब मैं यहां से जाऊंगी बिकॉज यहां पे बहुत कम स्पेस है. सो आई विल शो यू अ व्यू फ्रॉम देयर एज वेल. सो लेट्स गो नाउ. तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से देखते हैं व्यू कैसा आता है. सो यू हैव टू कम. एक्चुअली सी व्यू है एंड यहाँ से ये रोड साइड है. सो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे एंड वील हैव अ लुक फ्रॉम देयर.
जिस व्यू पॉइंट की मैं बात कर रही थी वो ये स्पॉट है, और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। तो ये जो वाटर टैंक है जो ओल्ड एज में पानी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, उसे बैकग्राउंड में रख करके आप कुछ अमेजिंग पिक्चर्स एंड रील्स ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से समंदर का भी बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। सो दिस इज द वेदर राइट नाउ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो अगर आप मॉनसून टाइम पे आ रहे हैं, सो इट्स अ नाइस वेदर हियर इन गोवा, सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड एंजॉय दिस वेदर। सो यू कैन सी, सो दिस इज इट फ्रॉम अगवाड़ा फोर्ट टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी तो सब लोग यहाँ पे एंट्रेंस पे रुके हुए थे बारिश से बचने के लिए। टुडेज वीडियो मैं पूरी भीग चुकी हूँ, सो इट्स एन ऑसम वेदर। तो अगर आप थोड़ा भीग भी जाते हैं सो दैट्स नो प्रॉब्लम, आप सूख जाएंगे बहुत जल्दी। सो यू मस्ट डेफिनेटली विजिट अगवाड़ा फोर्ट ड्यूरिंग मानसून टाइम। सो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।